उत्तराखंड काजीपुर के कोंडा थाना पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर 3 आरोपियों को गोवंश के मांस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि कोंडा थाना पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि काजीपुर के ग्राम सरवर खेड़ा में गोवंशी मांस की तस्करी की जा रही है। मुखबरी से सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम ने मौके पर छापा मार दिया, जिसके चलते पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आज रात्रि में मैं सब इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार एसओ साहब के साथ में रात्रि चेकिंग में थे, रात्रि गश्त चेकिंग में। तो रात में 2:30 बजे जब हम मंडी चौकी में थे तो मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम सरोवर खेड़ा में आम के बगीचे के पास में कुछ लोग एक कमरे के अंदर गोकुशी कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने मुखबिर को साथ लिया और उसके बताए हुए पते पर गए और वहाँ पर जो है एकदम दबिश दे करके 3 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और 2 लोग वहाँ से फरार हो गए। इनके पास से 2.5 क्विंटल गाय का मीट मिला है और गाय काटने के उपकरण जिनमें 7 अदद छुरी हैं, 1 पाटल है और 103 पन्नी हैं। और 3 लोग मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए और जो 2 व्यक्ति भागे हैं उनका नाम प्रकाश में आए हैं, उनमें से 1 नईम है और 1 नदीम है। ये पहले भी यहाँ आते जाते रहे हैं, हम जानते भी हैं। तो कहाँ के हैं ये लोग? ये सभी ठाकुर द्वारा के हैं। इसके लिए रात में ही मौके पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो बुलाए गए थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि गाय का मीट है। फिर भी इसकी कंफर्मेशन के लिए जो डॉक्टर द्वारा इसके सैंपल लिए गए हैं उन्हें जो है FSL देहरादून भेजा जा रहा है। पुलिस को आरोपी के पास से 2.5 क्विंटल गोवंशी मांस बरामद हुआ है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम कासिम इसराइल और दिलसाद अहमद बताया है, जबकि इसके साथ ही नईम और नदीम को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवंश अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। उत्तराखंड के काशीपुर से अतुल त्यागी की रिपोर्ट।